छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के वाडफ नगर में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा 3 कृषि अध्यादेशों एवं हाथरस में हुए एक बालिका के साथ बलात्कार को लेकर प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के सीएम का पुतला दहन किया गया, साथ ही शव यात्रा भी निकाली गई। आपको बता दें कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किसान को लेकर के जो विधेयक पारित किया गया है उसके विरोध में एवं जो हाथरस में एक बालिका के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हुआ है, इसके विरोध में आज वाडफ नगर के कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया गया। बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव ने मीडिया के सामने बयान दिया कि हम लोग इस किसान विरोधी बिल के खिलाफ देशव्यापी अभियान चला रहे हैं और किसानों के लिए नया बिल लेकर के आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे केंद्र के नेता राहुल गांधी जब हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तब उन्हें धक्का मुक्की देकर और उनको जाने से रोका गया। इन सबको लेकर भी देशव्यापी अभियान छेड़ा गया है। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। और क्या छत्तीसगढ़ में भी जो बिल पास हुआ किसानों के लिए वो लागू होगा? छत्तीसगढ़ की सरकार किसान के हित में पहले से भी है और अभी पुनः जो दिल्ली की सरकार जो सेंट्रल सरकार है उसने जो किसान विरोधी बिल बनाया है उसके अगेंस्ट हमने किसानों के हित में नया बिल लाएंगे। आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हम लोगों ने उनकी जो है आज सम्मान करते हुए और किसानों के हित में हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनका हम लोगों ने शव यात्रा निकाला, उनका पुतला दहन किया और दूसरा कि जो कल उत्तर प्रदेश में जो हाथरस में जो एक बालिका के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके साथ जो बलात्कार हुआ था उसके बाद उसकी हत्या हो गई उसके विरोध में कल राहुल जी जो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे वहाँ उत्तर प्रदेश के पुलिस द्वारा जबरन राहुल जी को रोका गया, बिना कारण के प्रजातंत्र की हत्या की गई, ऐसी उस घटना के विरोध में हम लोगों ने आज योगी आदित्यनाथ का भी शव यात्रा निकाल के उनका भी पुतला दहन किए। अब उस पीड़िता के परिवार को न्याय देने के लिए आगे क्या करेंगे? हम लोग अभी कल तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तो स्वयं उनसे मिलने गया था, अभी ये पूरे देश में उसके पीड़िता के न्याय के लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक सारे पूरे हम लोग कांग्रेस के लोग इस देश में योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध में और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में आंदोलन करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।